بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين کس گل دا بندیا تمان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے کس گل دا بندیا تمان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئی زندگی لئی اتنے بڑے بڑے زور لا ٹر گئے اس موت کسے نو نہ چھوڑی آئے اتوں غدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے یاروں قرآن پہ دس دائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے میں نے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے زیوکار معزز سامعین و سامعات صحیح بخاری دی روایت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دے ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی مجلس دے اندر میں بیٹھا ہویا کردہ بدری صحابی حضرت عمر نو کہن لگے عمر جی اے عبداللہ ساڑھے بچیاں جڑے تے جتے سانو بٹھانے نال عبداللہ نو بھی بٹھا لیندے
हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे तुसी इस बात नूं समझदे हो मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास नूं इज्जत एहतराम इस वास्ते देना अल्लाह ताला ने इनूं इलम बड़ा अता किया है। अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला बिन अब्बास नूं फहमो फरासत बड़ी अता की और सही हदीस के अंदर आंदे एक रात हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को दुआ ली। आपने हज़रत अब्दुल्ला नूं दुआ दी फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहु वफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह सोहणिया अब्दुल्ला नूं इलम भी अता कर दे ते अल्लाह अब्दुल्ला नूं दीन दी समझ भी अता कर दे। फिर लोगों ने वेखिया हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास 9 साल की उम्र के अंदर मुफसरे कुरान बन गए और इस दुनिया कायनात के अंदर सब तो बेहतरीन कुरान पाक की तफसीर करने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। कहने लगे मैं तुहानू इस वास्ते तुहाडे नाल अब्दुल्ला नूं बिठाना कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला नूं इलम बड़ा अता किया, इलम की वजह करके उन्हें इज्जत देना। फरमाते ने एक दिन ऐसा आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उन्हां बजुर्ग सहाबा नूं भी बुला लिया और मैनू भी बुला लिया ते इन्हां बजुर्ग सहाबा नूं पुछण लगे। सही बुखारी की रवायत कहन लगे ऐ जिहड़ी कुरान पाक की सूरा मुबारक है इज़ा जा अनसुरुल्लाहि वल फतह वराईतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا। جدوں اللہ دی طرفوں فتح نصرت آ جائے تسی ویکھو لوگ جوک در جوک فوج در فوج لشکراں سمیت اسلام دے اندر داخل ہو رہے نے پھر سونیاں تسی رب دی حمد بیان کرنی اللہ دیاں تسبیحات پڑھنیاں نے अल्लाह ताला को बख्शिश मंगनी है। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। हज़रत उमर फरमांदे ने इस सूरा मुबारका के बारे तुहाडा की ख्याल है। इन बजुर्ग सहाबा दिनों कुछ सहाबा बोल करके कहन लगे साडे ख्याल के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने सानू मक्के की फतह अता कर दी रब की नुसरत आ गई अल्लाह की तरफों मक्के की फतह मिल गई ते अल्लाह ताला ने सानू हुक्म दिते कि अल्लाह दियां तस्बीहात बयान कीतियां जान इस्तगफार कीता जाए रब दे कोल तौबा कीती जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने दीगर सहाबा कोल पुछिया कुछ कहन लगे सानू इहदे बारे कुछ इलम नहीं। कुछ कहन लगे कि अल्लाह ताला ने यह जिहड़ी सूरत नाजिल कीती है ए जो दीगर सहाबा कह रहे साडा भी यो मौकफ है ते कुछ बिल्कुल खामोश हो गए सानू इहदे बारे कोई इलम नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बोलो रज़ी अल्लाह तआला कहन लगे अब्दुल्ला तेरा इहदे बारे की ख्याल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने ऐ सूरत नाजल करके अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर नूं मौत दा पैगाम दिता है कि सोणिया असां तुहानूं फतह अता कर दित्ती है तुहानूं मक्का फतह करवा दित्ते सोणिया हुण तुसीं आखरत दी तैयारी करो। ऐ बुखारी पाक दे अंदर बात मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने इस सूरा मुबारका दे अंदर नबी पाक दी वफात दी खबर है। हज़रत उमर फरमान लगे अब्दुल्ला जिड़ा तेरा मुअक्कफ है ओहो ही मेरा मुअक्कफ है। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की वफात दिया खबरां और आप दी वफात दे इशारे अल्लाह ताला ने नबी पाक दी वफात तो पहला नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं दे छड़े और भी कई दलायल मौजूद ने। लो अल्लाह ताला दा कुरान समात फरमाना और अपना ईमान तादा करना हबीबे किबरी या जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने
नबी पाक करी सलातो सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नादन फरमाया अल्लाह फरमांदे ने वमा जअल्ला लिबशरिन मिन कबलिकल खुल्द जिंदगी नहीं मिली। अगर तुसी भी दुनिया तो चले गए ते ए बाकी लोग भी हमेशा रहेंगे। अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने इन्ना का मैयतुन व इन्ना गुम मैयतुन। सुने एक दिन तुसा भी फौत हो जाने, एक दिन इन्ना लोगा भी फौत हो जाने। अल्लाह दे कुरान दा तीसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलि गिर्रुसुल आपा इम्मा ताउ कुतिलन कलब तुम अला आकाबिकुम वमैयन कलिबाला अकिबैगे वलैया जुर्रल्ला गशैया वसयज जिल्ला गुशाकिरीनम। फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल ने अल्लाह फरमांदे ने सुनया वाडे को पहला भी रसूल आए कद खलत मिन कबले गिर रसूल आपा इमाता औ कुतिलन कलब तुम अला आकाबिकुम। अगर साडे पैगंबर फौत हो जान या शहीद कर दिते जान क्या तुसी अपनी एड़िया दे बल फिर जाओगे? अगर अपनी एड़ियां ते बल फिर जाओगे ते रब दा कोई नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह दे कुरान दा चौथा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत। फरमाया हर जान ने मौत दा जाम पीना है जिहड़ा इस जगाम दे अंदर आए, एक ना एक दिन उन्हें इस जगान नू छोड़ करके चला जाने। तुसी जिन्ने आ करके बैठे हो किसे दा बाप इस दुनिया तो टुर गया, किसी की माँ इस दुनिया तो टुर गई, किसी का बेटा इस दुनिया तो टुर गया, किसी की बेटी इस दुनिया तो टुर गई, किसी का खामद इस दुनिया तो टुर गया, किसी की बीवी इस दुनिया तो टुर गई, किसी के जवान भरा जुदाइया दे करके चले गए। अल्लाह फरमाते ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत। जेड़ा इस जगाम के अंदर आए एक ना एक दिन उन्हें इस जगाम तो जाने। जेड़ा इस दुनिया के अंदर आए एक ना एक दिन उन्हें इस दुनिया नू छोड़ करके चला जाने। छोटा है बड़ा है पीर है पैगंबर है वली है नबी है सहाबी है जेड़ा इस दुनिया के अंदर आए एक ना एक दिन उन्हें इस दुनिया तो जाने। अल्लाह 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 ने कुराने पाक दे कौर मुकाम ते फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज नु फना है बका सिर्फ किन्नु है? सिर्फ अल्लाह की सात नुए। जेड़ा इस कायनात के अंदर आए एक ना एक दिन उन्हें इस जहान को छड़ करके चला जाने। रात आज तो तकरीबन 1450 साल कबल 12 रबीउल अव्वल आया, 12 रबीउल वाले दिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया तो रहलत फरमा गए। नबी पाक अपने सहाबा नु जुदाइयां दे करके चले गए। मेरे पैगंबर दियां बीवियां बेवा हो गईयां, मेरे पैगंबर दी बेटी फातिमा यतीम होगी, हसनैन करीम रोंदे नजर आए, अनस बिलाल आंसू बहांदे नजर आए। अल्लाह हु अकबर। अल्लाह और नबी पाक अली अलैहिस्सलाम दी वफात आप दा आप दी जिंदगी दे आखरी सफर दिया चंद बातों तुहाडे सामने गुजारशात करके इजाजत चाहवांगा। बड़े तवज्जो नाल बड़े इनहिमाक दे नाल कुरान और सुन्नत दी रोशनी जमदर तुहाडे सामने बातां रखना चाहना। ऐ मैं जिन्नियां बातां तुहाडे सामने बयान करनियां ने या बुखारी दियां रवायतां ने या मुस्लिम दियां रवायतां ने या कुछ सीरत दियां किताबां मोतबर किताबां दियां रवायतां तुहाडे सामने पेश करके इंशाअल्लाह नबी पाक अली की सलातो व सलाम दे सफरे आखरत दा तज़किरा करना चाहना। तवज्जो करना हबीब-ए-गिरिया जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला को बयान कर देने सही बुखारी की रवायत फरमाते ने सन 10 हिजरी है मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनु बुलाया आप फरमाते ने मुआज मैं तैनु यमन दा मुबल्लग मुकरर कर दिता है तैयारी कर ले अल्लाह कदर ते मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला को चलदियां चलदियां तैयारी करके मेरे पैगंबर को आए नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कहंदे ने सुनिया मैं यमन वल जाना चाहना नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने चल मुआद मैं तैनु रुखसत करके आवां चल मुआद मैं तैनु अलविदा करके आवां मेरे पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआद बिन जबर रदी अल्लाह तआला नु सवारी ते सवार कर दिता नाल नाल मेरे पैगंबर चलते जा रहे ने चलते जा रहे ने प्यार मुहब्बत दियां अपने यार दे नाल गल्लां करदे जा रहे ने अल्लाह अल्लाह चलदियां 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 जदों मेरे पैगंबर अलविदा करन लगे ना रहमत कायनात ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने या मुआद अल्लाह तलकानी बादा आमी गाजा फरमाया मुआद हो सकता है तू यमन तो वापस मदीना आवे ते मेरियां तेरियां मुलाकातां ना हो सकन तेरा गुजर होए ते मेरी मस्जिद तेनों गुजर होए तेरा गुजर होए ते मेरी कबर तो गुजर होए हजरत मुआद रदी अल्लाह तआला ने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान जिंदरो जो दाई दियां बातां सुनिया ना मेरे पैगंबर दे विछोड़े दियां गल्लां सुनिया ना हजरत मुआद अल्लाह अल्लाह बुखारी पाक अल्फाज ने फबका मुआद जाशान ने फिराक रसूलिल्लाह मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत कायनात ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुदाई दी खबर सुन करके हजरत मुआद जारो के तार रोन लग जांदे ने अल्लाह सदा ना बागी बुल बुल बोले ते सदा न सो बतियारा सदा न मापे हुसन जवानी ते सदा न बाग बगारा अल्लाह को अकबर ला रात तवज्जो करना गौर करना मेरे पैगंबर ने हजरत मुआद अलविदा कर दिया पैगाम दे दिता मुआद मेरिया तेरिया जुदाइयां पैण वालिया ने मेरे तेरे बछोड़े पैण वाले ने अल्लाह को अकबर लाल ते अल्लाह दी कसम मैं हदीस पाक दे अंदर पढ़े मेरा ते मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हर हदीस ते यकीन है नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आप ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान ते यकीन है नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारां नाल बड़ा प्यार करया करदे ते मुआद बिन जबल ते मेरे पैगंबर दियां मुहब्बत अनोखियां एक मौके ते नबी पाक ने कसम उठा करके फरमाया मुआद मैनू अल्लाह की कसम मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है बड़ी मुहब्बत है हजरत मुआद मेरे पैगंबर की जुदाई के अंदर आप की रफाकत के अंदर रोंदे पै ने नबी पाक ने अपनी मौत का सुनेहा दे छड़े एक और हदीस पाक समाज फरमाना सहाबा बयान करते ने नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमदान के अंदर 10 दिन का इतकाफ करया कर दे जिस साल मेरे पैगंबर दी वफात हुई उस साल नबी पाक ने 20 दिन दा इतकाफ कीता नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल दे अंदर जिब्रील अमीन दे नाल कुरान पाक दा इक दौर करया कर दे जिस साल मेरे पैगंबर दी वफात हुई रहमत कायनात ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल दे अंदर 2 दौर कीते अल्लाह हू अकबर नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके हज वास्ते चले गए अल्लाह को अकबर लाते कायनात रब ने आसमान तो कुरान पाक नातल फरमाया अल्लाह फरमाते ने आलि उम्मा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निमती व रजीतु लकुमुल इस्लाम दीना
फरमाया सोनिया आज दे दिन असी तुहाडे ते दीन मुकम्मल कर दिते ते तुहाडे वास्ते तीन पसंद कीते ते इस्लाम पसंद कीते। मेरे पैगंबर ने कुरान पाक दी आया मुबारक अपने सहाबा नूं पढ़ के सुनाई है। हुण सहाबा बड़े खुश हुंदे पै ने, एक दूसरे नूं मुबारकां दिंदे पै ने। यारो मुबारक होए जिस दीन दी खातर असी मक्का छड़िया, जिस दीन दी खातर बिलाल हबशा छड़ के आया, जिस दीन दी खातर सलमान फारस छड़ के आया, जिस दीन दी खातर सुहैब रूम छड़ के आया, जिस दीन दी खातर असी दर दर ते तके खांदे रहे, अज ओ दीन मुकम्मल हो गए। आरस ते गाप भी अपनी जगह ते खुश है। ते मेरे पैगंबरी सलातो सलाम दे यारे गार हजरत अबू बकर एक कोने दला के रोंदे पै ने, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह खुतान को तलाश कर दिया कर दिया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह खुतान को हजरत अबू बकर दे कोल पहुंचे ना। कहंदे ने अबू बकर आज सारे सहाबी खुश खुश नजर आते ने ते तू रोंदा पिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या तैनू दीन दी खुशी नहीं, अज दीन मुकम्मल हो गए। मेरे अबू बकर दियां अखां छम छम वस पईयां ते रो करके कहंदे ने उमर सोणिया जिन्नी तैनू दीन दे मुकम्मल होण दी खुशी है ओहदे नालों ज़्यादा अबू बकर नूं दीन दे मुकम्मल होण दी खुशी है। पर उमर सोणिया ऐस गल वल की गौर करना, जेड़ा पैगंबर दीन लै के आए अक दीन मुकम्मल हो गए ते नबी पाक भी सानू छड़ के जाण वाले ने, नबी पाक भी सानू जुदाइयां देण वाले ने। अल्लाह मेरे पैगंबर दे सहाबी हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह खुतान को बयान करदे ने, नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम एन करके नाले हज कर देने ते नाले रहमत ते कायनातनी सलातु व सलाम अपने सहाबा नूं कहंदे फिर देने, मेरे सहाबा मेरे कोलो रज रज के अज मसले पुछ लो, हो सकदे अज तो बाद मैं हज ना कर सका। एक और हदीस जमदर मेरे पैगंबर ने फरमाया, आप फरमांदे ने मेरे सहाबा मेरे कोले रब दा कासद आण वाला है, मैं रब दा पैगाम कबूल करके रब दी पुकार सुन के हो सकदा मैं अपने रब नाल मुलाकात कर लवां। नबी पाक ने सलातो सलाम अपनी जुबान दे अपने सहाबा नूं अपनी मौत दियां पेशीन गोईयां करदे पै ने। हज़रत उकबा बिन अमर रज़ी अल्लाह खुतान को बयान करदे ने, इधर मेरे पैगंबर हज तो वापस आए ने, सफर दे मदीने दा आगाज़ हुंदा पे, रहमत कायनात ने सलातो सलाम बकी कब्रस्तान दे अंदर चले गए ने। एक सहाबी जनाजे जंदर मेरे पैगंबर ने शिरकत की थी, रहमत कायनात ने सलातो सलाम ने अल्लाह कसीर तदाद के अंदर दुआवां कीतियां अपने सहाबा वास्ते, रहमत कायनात वापस आए ना मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम दे सर मुबारक के अंदर दर्द शुरू हो जाते, इस कदर सर के अंदर शदीद दर्द है, मेरे पैगंबर ने सर से पट्टी बनी हुई है। नबी पाक ने सलातो सलाम घर के अंदर शरीफ लै करके आए, बहुत वजो करना गौर करना, रहमत कायनात अली सलातो सलाम 29 सफर वाले दिन बीमार हो जाते ने, मेरे पैगंबर की बीमारी का आगाज हो जाता है। अल्लाह अल्लाह 29 सफर 11 हिजरी बरोज जुमे मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम बरोज सवार बीमारी का आगाज होया ना, रहमत कायनात अली सलातो सलाम घर के अंदर तशरीफ लै करके आए। 11 दिन मेरे पैगंबर ने बीमारी दी गालत जिंदर सहाब नु नमाज़ा पढ़ाइया, मस्जिद नबी जिंदर तशरीफ लै करके आंदे रहे। अल्लाह अल्लाह गौर करना तवज्जो करना, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन गदर ते अली रज़ी अल्लाह खुतान को नबी पाक रे सलातो सलाम दी तीमारदारी करने वास्ते आए ने, मेरे पैगंबर दे खुजरे जिंदरो बाहर निकले ना, सहाबा मुंतजर ने कोई नबी पाक की खबर आ करके देवे साडे दिल नूं सुकून होए साडे दिल नूं चैन होए। सहाबा कहंदे ने अली सोणिया दस ना सोणे नबी पाक दा की हाल है, ते गदर ते अली कहंदे नबी
नबी पाक पहले नालों अफाके जमदर ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने हजरत अली दा बाजू पकड़ लिया। बुखारी दे अंदर हदीस मौजूद है, बुखारी दे अंदर बात मौजूद है। हजरत अब्बास ने हजरत अली दा बाजू पकड़ करके फरमाया, अली सोनिया मैनू नहीं लगता नबी पाक इस बीमारी तो ठीक होणगे, क्योंकि मैं बनू अबू तालब दे लोगां नू वेखिए जदों इन्हां दी मौत दा वक्त आ जांदा मैं इन्हां दे चेहरे तो शनाख कर लैंदा वा, इन्हां दे चेहरे तो पहचान लग जांदा वा। मैनू लगदा नबी पाक सानू जुदाइयां दे करके चले जाणगे। और नबी पाक अली सलातु व सलाम बीमारी दी हालत दे अंदर वी अपनियां बीवियां दे वारी वाले घर दे अंदर जिस बीवी दी वारी हुंदी उस घर दे अंदर चले जांदे ने। बार बार नबी पाक पुछदे ने मैं कल किस दे घर दे अंदर होवांगा, कल किस दे घर दे अंदर होवांगा। मेरे पैगंबर दीयां बीवियां समझ जांदियां ने नबी पाक हज़रत आयशा दे घर दे अंदर कयाम करना चाहते ने, मेरे पैगंबर हज़रत आयशा दे घर दे अंदर आराम करना चाहते ने। ओ ज़ालिमो शर्म करिया करो, मां आयशा दे बारे गल कर लगियां, मां आयशा ते दबरा कर लगियां। मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी दा आखरी कमता गुजारिए ते अम्मी आयशा दे घर दे अंदर गुजारिए। अल्लाह हू अकबर। मेरे बड़े पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातु व सलाम 29 सफर तो लेके जुमेरात तक 11 दिन मेरे पैगंबर ने खुद नमाज़ पढ़ाइया ने। 11वें दिन जुमेरात वाले दिन मगरब की नमाज मेरे पैगंबर ने आप पढ़ाई है। अल्लाह अल्लाह, ईशा की नमाज का टाइम हो गया ना, मेरे पैगंबर की बीमारी बढ़ जाती है। सहाबा इंतजार करते पैने, आप ते गशियां तारी ने बेहोशियां नमाज पढ़ लिये सोनिया तुहाडे इंतजार हुंदा पे। मेरे पैगंबर ने उठना चाहिया, इस कदर बीमारी दा हमला, इस कदर बीमारी दी शिद्दत, नबी पाक उठ नहीं सके। नबी पाक फिर बेहोश हो जाते ने। दूसरी मरतबा होश आया ना, आप फरमांदे ने आयशा लोगां नमाज पढ़ लिए सोनिया तुहाडे इंतजार हुंदा पिया है। मेरे पैगंबर ने फिर गुसल कीता, उठना चाहिया, फिर गशियां तारी हो गईयां। तीसरी मरतबा इंज बनिया ना, मेरे पैगंबर फरमांदे ने आयशा लोगां ने नमाज पढ़ लिए सोनिया तुहाडे इंतजार हुंदा पे। अल्लाह फिर मेरे पैगंबर बेहोश हो गया ना, होश दे अंदर आए, रहमत दे कायनात फरमांदे ने आयशा लोगां ने नमाज पढ़ लिए सोनिया तुहाडा इंतजार हुंदा पे। आप फरमांदे ने अबू बकर नूं को मरू अबा बकरन फाली उसल्ली बिन्नास, अबू बकर नूं को लोगां नूं नमाज पढ़ा दे। पैगाम पहुंचिया गदर ते अबू बकर दी अल्लाह बतान गो तक ना, मेरे पैगंबर ने सलातु वसलाम दे कासिद ने अगर ते अबू बकर नूं किया, सोनिया नबी पाक फरमांदे पैने नमाज पढ़ा दियो। करीब गदर ते उमर खड़े ने, हज़रत अबू बकर कहंदे ने यार उमर तू नमाज पढ़ा दे, मेरे को नमाज नहीं पढ़ाई जानी। हज़रत उमर कहंदे ने अबू बकर हक तेरा है, मैं हक नहीं ले सकता, नमाज तू ही पढ़ाएगा। दूसरी हदीस पाक जदों नबी पाक अली सलातु वसलाम ने बार बार नमाज दे बारे पुछिया ना, अम्मी आयशा ने दसिया सुनिया लोग तुहाडा इंतजार करते पए ने। अल्लाह अल्लाह, रहमत दे कायनात ने फरमाया आयशा अबू बकर नूं को नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा कहंदियां ने सुनिया मेरे बाबा जान बड़े नरम दिल ने, जदों तुहाडा मुसल्ला खाली वेखणगे तो उन्हां को नमाज नहीं पढ़ाई जानी। सुनिया उमर नूं कह दिओ लोगां नूं नमाज पढ़ा देवे। मेरे पैगंबर फरमाते ने मरू अबा बकरिन फाली उसल्ली बिन्नास, लोगां नूं कहो अबू बकर नूं कहो लोगां दी नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा कहंदियां ने सुनिया जदों मेरा बाबा मुसल्ला तुहाडा खाली वेख के कुरान पढ़ेगा, अबू बकर कोलों सुनिया कुरान नहीं पढ़िया जाएगा। उमर नूं कह दिओ नमाज पढ़ा दिओ, मेरा बाबा बड़ा नरम दिल है। अल्लाह मेरे पैगंबर ने सलातु वसलाम फरमाते ने आयशा मुरू अबा बकरिन फाली उसल्ली बिन्नास।
अबू बकर नु को लोगन नु नमाज पढ़ाए उसी ते ओ साहब यूसुफ वालियां गल कर बात कर दियां पियां जे मैं मुहम्मद कहना अबू बकर नु लोगन नु अबू बकर नु को लोगन नु नमाज पढ़ाए हजरत अबू बकर ने मेरे पैगंबर दी जिंदगी दे अंदर 17 नमाजां पढ़ाईयां नबी पाक सवार दी फजर तो बाद फौत होए ने जुमा रात दी इशा भी मेरे पैगंबर दे अबू बकर ने पढ़ाई जुमे दे दिन दिया पांच नमाजा भी अबू बकर ने पढ़ाईया हफ्ते दे दिन दिया पांच नमाजा भी अबू बकर ने पढ़ाईया उतवार दे दिन दिया पांच नमाजा भी अबू बकर ने पढ़ाईया फजर दी सवात दी नमाज भी अबू बकर ने पढ़ाई अबू बकर होए जिन्हों 17 नमाजा मेरे पैगंबर दी जिंदगी दे अंदर नबी पाक दे मुसल्ले ते पढ़ाउण दा शरफ हासिल होया अल्लाह तवज्जो करना मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सहाबी हजरत जाबर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला को बयान कर देने मैं नबी पाक ने सलातु वसलाम दे कोलो सुनया वफात तो 3 दिन पहले नबी पाक फरमा रहे सुन कोई बंदा इस हालत दे अंदर फौत ना होए कि ओदा रब दे बारे गुमान अच्छा ना होए अल्लाह अपना गुमान रब दे बारे अच्छा बना लो मेरे पैगंबर ने वफात तो 3 दिन पहले फरमाया हफ्ते एतवार नु मेरे पैगंबर दी तबीयत कुछ संभली ना मेरे पैगंबर दे सहाबी बयान करदे ने रहमत ते कायनात ने सलात व सलाम ने एक गत गदर ते अब्बास ते खंदियां ते रखिया एक गत मेरे पैगंबर ने गदर ते अली दे कंधियां ते रखिया जोर दी नमाज दा वक्त ते नबी पाक ने करके मस्जिद नबी दे अंदर दाखिल होना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे सन मेरे पैगंबर नुआंदियां वेखियां ना मुसल्ले तो पीछे हटन दियां कोशिशां कीतियां मेरे पैगंबर ने इशारा कीता नबी पाक अलैहि सलात व सलाम हजरत अबू बकर दे बराबर आके बह गए ओए लोगो मेरे पैगंबर ने अपनी बीमारी दी गालत दे अंदर उठ करके मुसल्ले दे करीब आ करके अबू बकर नु अब नबी पाक अलैहि सलात व सलाम ने अपने सज्जे पासे कर लिया इंज कह लो मेरे पैगंबर अबू बकर दे इमाम बने अल्लाह ते अबू बकर सारे सहाबा दा इमाम बनया अपनी जिंदगी दे अंदर नबी पाक ने हजरत अबू बकर नु अपना मुसल्ला दे के दसिए ओ लोगो मेरे बाद अगर मुसल्ले दा को वारस है ते अबू बकर मेरे पैगंबर तो बाद मुसल्ले दा को वारस है ते कौन है अल्लाह ए बुखारी पाक दी हदीस है बड़ा वड्डा बदबख्त है बंदा जिहड़ा सिद्दीक अकबर दी खिलाफत नूं नहीं मानदा जिहड़ा हजरत अबू बकर नूं पहला खलीफा नहीं मानदा नबी पाक ने अपनी जिंदगी दे अंदर खलीफा मुकर्रर कर दिता अपनी जिंदगी दे अंदर इमाम मुकर्रर कर दिता तवज्जो करना गौर करना हजरात बड़िया मुहब्बत वालिया बड़िया प्यार वालिया बातां मैं बड़े ध्यान नाल तुहाडे सामने चंद गुजारशात करना चाहना गौर करना तवज्जो करना मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता लेकिन हकीकत ते मबनी बातां करना चाहना नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम की जिंदगी दे अंदर जितों 11 रबीउल अव्वल आया तवज्जो करना हबीब इब्रिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातु वसलाम ने कायनात दे लोगो 11 रबीउल अव्वल वाले दिन जोर दी नमाज सहाबा नु पढ़ाई नबी पाक ने सलातु वसलाम दे पीछे अबू बकर ने पढ़ी दीगर सहाबा ने पढ़ी इस तो बाद हजरत अनसर दी अल्लाह तआला को फरमांदे ने नबी पाक मस्जिद दे अंदर मस्जिद नबी दे अंदर दाखिल नहीं होए मेरे पैगंबर ने सलातु वसलाम दी 12 रबीउल अव्वल वाला दिन नबी पाक दी जिंदगी दा आखरी दिन नबी पाक ने सलातु वसलाम दे सहाबी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला को बयान करदे ने ऐन करके फजर दी नमाज दा वक्त है हजरत अबू बकर लोगों नूं नमाज पढ़ान लगे ने नबी पाक ने सलातु वसलाम ने अम्मा ऐशा दे खुजरे वल्लों कपड़ा कटाया ना ऐन सहाबा ते नजरां पाईयां ना अल्लाह ते मेरे पैगंबर सहाबा नूं वेख के मुस्कुरा पे मेरे पैगंबर खिल खिला उठे अल्लाह हजरते अनस फरमांदे ने नबी पाक दा चेहरा एडा सोहना लगदा पिया सी जिवें रेल ते रब दा कुरान पिया हुंदे
अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर की सलात व सलाम दियां नजरां अपने यारां ते पईयां ना। मैं कहना नबी पाक ने सलात व सलाम मस्जिद नबी अपने असहाब नाल भरी वेखी होएगी ते आप कहंदे होणगे फला फूला रह गईया रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रह गईया रब ये चमन मेरी उम्मीदों का, खून का जिगर देकर जिगर का खून देकर ये बूटे मैंने पाले गए। मेरे पैगंबर ने पर्दा छोड़ दिता हज़रते अशर रज़ी अल्लाह तआला का बयान कर दिया ने नबी पाक ने सलातो सलाम ते बुखार दी इस कदर शिद्दत ते मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम बार बार अपने चेहरे ते चादर लेंदे ने बार बार चादर उतार दे ने। अल्लाह अकबला नाले मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम दी कफियत इस शिद्दत दे अंदर भी मेरे पैगंबर फरमा रहे ने लान अल्लाह वल यहूदा वन नसारा इत्तखजू कुबूरा अंबिया मसाजिदा। अल्लाह लानत फरमाए यहूदियां ते ईसाइयां ते जिन्हां अपने नबियां दियां कब्रां नूं सजदा गा बना लिया। फिर मेरे पैगंबर अपने दोवें गत पानी वाले पर तंदन डाल करके अपने चेहरे ते मलदे ने ते पढ़दे ने अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात इन्ना लिल मौत सकरात इन्ना लिल मौत सकरात। ते अदर ते आशा फरमांदियां ने इसे दौरान नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने मेरी बेटी फातिमा नु बुलाया दे। अल्लाह अल्लाह रहमत कायनात ने सलातो सलाम दी बेटी सजीदा फातिमा बोलो रदी अल्लाह तआला रदी अल्लाह तआला अनखा चाहतियां चल दिया आईया। हमेशा फरमादियां ने हज़रत फातिमा दी चाल बिल्कुल मेरे पैगंबर दे नाल रलिया कर दी जिन्हें मेरे पैगंबर चल दे उन्हें गदर ते फातिमा चल दिया एंड गदर ते फातिमा चल दिया चल दिया आईया। मदनपुरिया अल्लाह की कसमे दुआ करया कर अल्लाह तआला बेटियां दे सुलम नसीब ते मुकद्दर अच्छे बनाए। अल्लाह बेटियां दे सिरा ते सदा मापिया का प्यार ते साया सलामत रखे। अल्लाह को अकबला नबी पाक ने सलातो सलाम दा तरीका मुबारक जो मेरे पैगंबर दी बेटी फातिमा मिल वास्ते आंदियां आप फरमा कर दे मरहबा भी बनाती मरहबा भी बनाती मरहबा भी बनाती मेरी बेटी जी आया नू मेरी बेटी खुश आमदीद मेरे पैगंबर लिए सलात व सलाम बेटी दा मत्था चुम्या कर दे करीब बिठा लिया कर दे। आज नबी पाक ने सलात व सलाम दी तबीयत बड़ी खराब है ना मेरे पैगंबर ने उठ के इस्तकबाल किया है ते ना मरहबा कह सके ने ते बेटी ने बाप की कफियत वेखी ना तियां वाले हो बापियां नू तकलीफ जमदर वेख करके बेटियां दे कलेजे मुठ्ठी जमदर आ जाया करदे ने। मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम दी बेटी एड बेकरारो करके मेरे पैगंबर दे करीब चलिया गईया ते बेसाख्ता जुबान विचो जुमले निकले वाह कर बाबा वाह कर बाबा। आए मेरे अबू जान कितनी तकलीफ है मेरे पैगंबर ने एड करके बेटी का सर पकड़िया सीने ते रखिया ते आप फरमांदे ने बेटी चुप कर जा अज तो बाद तेरे बाबे मुहम्मद दियां सारी तकलीफां मुक जान अज तो बाद बेटा तेरे बाबे मुहम्मद दे सारे दुख मुक जाणगे अज तो बाद कोई तेरे बाप दे गले दे अंदर कपड़ा पा के वाट नहीं चढ़ाएगा अज तो बाद कोई तेरे बाबे ते पत्थर नहीं बरसाएगा अज तो बाद कोई तेरे बाप मुहम्मद दियां जुल्फां दे अंदर कूड़ा नहीं फेंकेगा। अल्लाह हू अकबर मेरे पैगंबर ने बेटी नू करीब किया है हज़रत आयशा बयान कर दियां ने मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलाम ने ऐन करके बेटी नु करीब कर लिया। नबी पाक ने सलाम ने हजरत फातिमा दे कान दे अंदर कोई सरगोशी की थी है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला रोन लग गईया ने। फिर मेरे पैगंबर ने को गल की है। हजरत फातिमा मुस्कुरा पईया। हजरत आशा कहदियां ने मैं पूछिया फातिमा नबी पाक ने दो बारी तेन करीब किया है, एक बारी तू मुस्कुरा पई से एक बारी तू रो पई से, रोन की वजह की सी ते मुस्कुराण की वजह की सी। हजरत फातिमा कहदियां ने जो बाबा जान ने मैनू करीब किया ना ते आप फरमाते ने बेटी मेरिया तेरिया जुदाइया का वक्त आ गए, बेटी मेरे तेरे विछोड़े पैन लगे ने। ते नबी पाक ने फिर मैनू करीब कर लिया। आप फरमाते ने बेटी फातिमा मेरे खानदान दिनों सब तो पहला मेरिया तेरिया मुलाकात हो गिया, मेरे चेहरे से मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह को अकबल्ला फिर होया कि तवजो करना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम तबीयत और बिगड़ जाती है। रहमत कायनात ने सलातो सलाम की तबीयत और खराब हो जाती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमांदियां ने नबी पाक ने सलातो सलाम जदों बीमार हो जाते मैं नबी पाक अपने आप को मुअव्वज़ा तैन कुरान पाक दी आखिरी दो सूरतां पढ़ के दम करया करदे। मैं समझिया नबी पाक ने सलातो सलाम नु कमजोरी हो गई है, आप पढ़ नहीं सकते। मैं सूरत ना पढ़ के दम करना शुरू कर दिता। अल्लाह को अकबल्ला मेरे पैगंबर ने लेकर के मेरे हाथ पकड़ ले। आप फरमाते ने आयशा हुण दुआवां दे वेले मुक गए ने, हुण दमां दे वेले मुक गए ने। इस दौरान मेरा वीर अब्दुल रहमान आया ना, इन्हें हाथ के अंदर मिसवाक पकड़िए। मेरे पैगंबर बार बार मिसवाक वल वेंदे पैने। नबी पाक ने सलाम दी जोजा मुहतरमा फरमांदियां ने मैं पूछिया बाब मैं क्या सुनिया महबूबा मिसवाक करना चाहते जे। मेरे पैगंबर ने सर खलाया अब्दुल रहमान बिन अबी बकर को मैं मिसवाक पकड़िए। मैं आयशा फरमांदियां मैं नबी पाक नु पकड़ा दीती है, कमजोरी इस कदर हो चुकी है मेरे पैगंबर को मिसवाक नहीं चबाई गई। मैं नबी पाक को मिसवाक पकड़ लिए अपने दंदा नाल चबाइए। ते मां आयशा रोया कर दिया ते क्या कर दिया, मेरे नसीब दे क्या कहने, मेरे मुकद्दरां दे क्या कहने, मेरे वास्ते बड़ा एजाज है अल्लाह ने मैनू मुहम्मद दी बीवी बनाया, मेरे वास्ते बड़ा एजाज है मैं मुहम्मद दे गरम दे अंदर आई, मेरे वास्ते बड़ा एजाज है मेरी तकदीर वास्ते मेरी गवाही वास्ते कुरान दियां आयतां नाथलियां ने, लेकिन मेरे वास्ते एजाज है जांदी वारी रब ने मेरा मेरे महबूब दा लब भी कठिया कर छड़िया है। अल्लाह अकबर ते मां ऐशा रज़ी अल्लाह तआला क्या कर दियां सन। जिस रात नबी पाक अलैहि सलातो सलाम वफात पाई ना मेरे पैगंबर दे घर दे अंदर इतना तेल कोई नहीं सी कि मैं दीवा जला सका। गवांडण को उदारा लैके दिया जलाए ते मैं अपने महबूब दियां ज़ियारतां करदी रहियां। अल्लाह अकबर नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दी ज़ौजा मुहतरमा फरमांदियां ने ऐन करके मेरे पैगंबर ने मेरे सीने दे नाल टेक लगाई हुई है। नबी पाक दा सर मेरी ठोड़ी दे नाल लगदा पे। फरमांदियां ने रहमत कायनात दियां अखां ऐन करके साडे मकान दी छत वल उठियां होईयां ने। ते नबी पाक फरमाया करदे सन अल्लाह उन्नी देर तक अपने नबियां नूं मौत नहीं दिंदा जिन्नी देर तक अपने पैगंबर दा पैगंबरां दा जन्नत दे अंदर टिकाणा नहीं विखा दिंदा। मेरे पैगंबर दियां अखां आसमान वल ते नबी पाक ने खत चुकिया है। आप फरमाते ने अल्लाहुम्म बिर्रफीक लाला, अल्लाहुम्म बिर्रफीक लाला। नाले मेरे पैगंबर है पढ़ दे पहले ते नाले कहंदे पहले मा नबी ना
وَصِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَخَاصُّنَا أُولَئِكَ رَفِيقًا اج کر دیا کر دیا میرے پیغمبر دا ہاتھ نیچے آ گیا جوگی میرے پیغمبر دا ہاتھ نیچے آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم بے جان ہو گیا میں سمجھ گئی عائشہ بیوہ ہو گئی ہے میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گیا نے میں سمجھ گئی حسن و حسین نانا دی محبت تو محروم ہو گئے نے اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو میں لٹا دیتا ادھر نبی پاک دے صحاب منتظر نے نبی پاک دے بارے کو اچھا پیغام تے اچھی خبر آئے میں جے کر کے کھڑکی تو جان کر کے مسجد نبی دے اندر ویکھیا نا نبی پاک دے صحابہ منتظر سن میں کہیا اس نبی دیو یارو تہاڈا نبی دنیا چھڈ کے چلا گیا نے نبی پاک وفات پا گئے نے فرماندیاں نے میں نبی پاک دی وفات دی خبر سنائی ہے تے مسجد نبوی دے اندر قرآن مچ گیا ہے او یارو نہ یاراں دے دل دی کفیت کی ہوئے گی جڑے سن دے وی نبی پاک دیاں زیارتاں کر کے سن جنہاں دا چلنا پھرنا میرے پیغمبر دے نال سی اج 1450 سال ہو گئے نے میں فیصلہ باد دی مسجد قباء دے اندر کھڑے ہو کے نبی پاک دی وفات دا ذکر کردا پیاں تے تسی روندے پے ہو میرے پیغمبر دے ابوبکر دا کی حال ہوئے گا جنے 60 سال میرے پیغمبر دے نال گزارے نے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں کی کفیتاں ہون گیاں او جنہ میرے پیغمبر دا پسینہ زمین تے نہیں ڈگن دیتا میرے پیغمبر دے یاراں دے دکھ دا عالم کی ہوئے گا جنہ میرے پیغمبر دی زبان جو نکڑ والا تھوک زمین تے نہیں ڈگن دیتا اونا دے دل تے کی گزریاں گون گیاں حضرت انس رضی اللہ کو تان کو بیان کر دے لے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دن فوت ہوئے نا اینج کر کے مدینہ پاک دے اندر ہنیرا چھا گیا اللہ کو اکبلا توجہ کرنا غور کرنا میرے تواڈے پیر عمر شاہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم دے اندر روح نکلی ہے تے بیٹی فاطمہ قریب بیٹھیاں نے روندیاں پیاں کہندے کہندیاں پیاں نے ہائے ابا جان سانو چھڈ کے چلے گئے دے رب دی دعوت نو قبول کر لیا دے جنت الفردوس دے اندر ابا جان جا کے ٹکانے لا لے جے ابا جان ہائے ابا جان اسی جبریل نو تہاڈی وفات دی خبر دے اللہ حضرت فاطمہ روندیاں پیاں نے ٹر گئے یار پیارے تے لے گئے نال ہاسے ان بنا گن دل نہیں لگدا جائیے کیڑے پاسے او تیاں دے سہاری باپ ہویا کر دے نے تیاں دے تے حوصلے باپ ہویا کر دے نے تے پھر اس بیٹی دا کی حال ہوئے گا جی دی ماں چھوٹی جی عمر دے اندر جو دائیاں دے کے چلی گئی اللہ کو اکبر لا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی روندی پئی ہے ادھر قدر تے ابو بکر رضی اللہ کو تان کو پتہ چلیا چل دے چل دے آئے نا سیدھے حجرہ عائشہ دے اندر داخل ہوئے نا میرے پیغمبر دے لے کر کے تاری دار چادر پائی ہوئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے گٹایا نا نبی پاک دی پیشانی تے بوسا دیتا تے فرماندے نے بی ابی وامی بی ابی وا امی سونیا میرے تو تواڈے ماں باپ قربان سونیا میرے ماں باپ تواڈے تو قربان تواڈے تے جڑی ایک موت آ چکی ہے دوبارہ موت نہیں آ سکدی میرے پیغمبر نو قدر تے ابو بکر ویندے پینے تے کہندے کی نے او ٹوٹ گیا لک میرا کہ صدیق نے سانوں جدائی دتی سوگنے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تا چوم لیا چہرے پاک تائیں
वाह कलीला साडे साथ नूं तोड़िया वाह नबिया सानू कल्या ही छोड़िया वाह बीबा साडे दिल नूं फोड़िया गुण कौन समझावे साडे ताई कहिंदा बिलाल रातां कालियां आईयां ने रब दे गबीब सानू दितियां जुदाइयां ने जिन्ना दी खातर में मारा खाइयां ने ओ महबूब अज नजर आंदा नाई कहिंदा मुआज मेरा जी नहीं लगदा बुझ गया दीवा जेड़ा चानन सी जगदा नबी पाक रीस सलातु सलाम दे सहाबा रोंदे पैने और मदीने दी कफियत की है मदीने दालम की है हज़रत अबू बकर दी अल्लाह को तान गो मेरे पैगंबर दे खुजरे दिनरो बाहर निकले ने सहाबा रो रहे ने कोराम मचिए हज़रत उमर दी अल्लाह को तान गो दी कफियत की है सही बुखारी जमदर रवायत मौजूद है हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब रहमत तलावत की हज़रत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने मैं हज़रत अबू बकर दी जुबान विचों एक कुराने पाक दी आयत सुनी मैनू यकीन हो गया नबी पाक वफात पा गए ने मेरे पैरां दे थल्लों जमीन निकल गई मैं खड़ा दा खड़ा रह गया मैं कदम उठाना चाहिया मेरे को कदम नहीं उठाया गया मैं जमीन ते गिर गया नबी पाक दी वफात दा सदमा कितना बड़ा सदमा ओए उमर जैसा बहादुर बंदा अपने होशो हवास खो बैठिया अल्लाह ते अज दोस्त यार कहिंदे ने तुसी झंडियां क्यों नहीं लांदे तुसी बाजार क्यों नहीं सजांदे तुहानू नबी पाक दी आमद दी खुशी नहीं मैं नबी पाक दी आमद वल वेखां या फातिमा नू रोंदियां वेखां मैं तेरियां झंडियां वेखां तेरा जशन वेखां या अबू बकर नू रोंदियां वेखां मैं तेरियां जनाब बाजारां नू बाजारां दी सजावट वेखां या हज़रत बिलाल दी अखां दे आंसू वेखां अल्लाह अकबर ला मेरे पैगंबर ते 12 रबीउल अव्वल नू इस दुनिया तो रहलत फरमा गए सहाबा ते रोई रह सणना अगली गल समाज फरमाना तवज्जो करना हबीब अकबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातु वसलाम इस दुनिया तोरे लत फरमा गए मेरे पैगंबर ने सलातु वसलाम दे सहाबा हुण परेशान ने नबी पाक ने सलातु वसलाम नु गुसल किवें दित्ता दे आम मुसलमान नु ते कपड़े उतार करके गुसल उनु दित्ता जांदे ते नबी पाक ने सलातु वसलाम नु किवें गुसल दित्ता दे हुण सहाबा ने अल्लाह अल्लाह परेशान ने इसे हवाले नाल ऐन करके सहाबा ते कुछ देर वास्ते सकता तारी होया ना एक कोने दिन रोवाद आई मेरे पैगंबर नु कपड़े समैती पानी बगा दियो अल्लाह को अकबर लैंड करके नबी पाक ने सलातु वसलाम दे सहाबा ने आप दे कपड़े समैत आप ते पानी डालिया ते हज़रत अली रजी अल्लाह तआला ऐन करके जनाब कायनात दे लोग मेरे पैगंबर ने सलातु वसलाम ते पानी डाल लैने ते नाले रोंदे पैने ते नाले कहंदे पैने सोणिया महबूबा अगर अली नूं तुसी सबर करन दा हुक्म ना दित्ता हुंदा ते अज अली रो रो करके आंसुआं दियां लड़ियां बना देंदा अल्लाहु अकबर ला मेरे पैगंबर दे अली अपनी जगह ते रोंदे पैने और नबी पाक दी तदफीन दा मसला आया ना कहंदे नबी पाक नूं किते दफन करना चाहिए सहाबा इकराम ने मशवरे दे नाल हज़रत अबू बकर दे कैम ते के नबी जिते पोत हुंदे उत्थे नबी पाक दी तदफीन कर दित्ती जाए उत्थे मेरे पैगंबर
अंदर ही सलातू असलाम नु दफन कर दिता गया। जो जनाजे दा हजरात जनाजे वाली बात रह गई, सहाबा कहंदे नबी पाक दा जनाजा किवें पढ़ाया जा, कौन है जिहड़ा नबी पाक नु सामने रख के नमाज़े जनाजा पढ़ाए। फैसला हो गया, दस दस लोग आंदे जान मेरे पैगंबर ते खड़े हो के दुरूदे पाक पढ़ते जान, वही नबी पाक दा नमाज़े जनाजा। अल्लाह हू अकबर ला तमाम सहाबा ने कीता, हुण मेरे पैगंबर नी सलातू असलाम नु दफन कर दिता गया। मिट्टियां मेरे पैगंबर ते पा दित्तियां गईयां, ते जदों नबी पाक नु दफन कर दिता गया ना, अल्लाह की कसम हदीस पाक दे अंदर आंदे, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला हज़रत अनस दीगर नबी पाक दे सहाबा दे नबी पाक दे यारां नु कहण लगियां, ओए अनस तुसी ते नबी पाक तो जाना देण वाले, तुसी ते नबी पाक तो कुर्बान होण वाले, किवें हौसले तुहाडे अंदर आ गए कि तुसी नबी पाक दे उत्ते मट्टियां पा दित्तियां ने। वे अनस बिलाल नबी दियो यारो ते नबी किते चढ़े, वे ऐसे सोने मुखड़े क्यों करे ते अंदर खाक छुपाए, वे तुसी ते गैसों पाक नबी तो वे जाना कोल गमां दे, फिर कोई यार यारां दे ताई ते विच खाक छुपां दे। सहाबा रोंदे पैने ते कहंदे पैने वस न रह गया, कुछियां साडे ते वरत गईयां तकदीरां, होश गवाश गुम हो गए ते भुल गईयां तकरीरां। काल अल्लाह ताला वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबली गिर रसूल आपाई माता औ कुतिलन कलब तुम अला आखा भी कुम। मेरे पैगंबर इस दुनिया तुरे लत फरमा गए, जिते अबू बकर रोंदे पैने, उमर रोंदे पैने, बीबी फातिमा रोंदियां पईयां ने, अम्मा ऐशा रोंदियां पईयां ने, हसनैन करीम रोंदे पैने, बिलाल रोंदे पैने, ओते कायनात दे लोग मदीने दियां गलियां दे अंदर ऊंठनी भी रोंदी फिर दिए। मेरे पैगंबर की जुदाई दे अंदर मेरे पैगंबर दी उस बानामी डाची भी गलियां जिंदर नसी दौड़ी फिर दिए। अल्लाह दी कसम सिर निगारा लिखी है, इनू सहाबा चारा पांदे ने ऊंटनी चारा नहीं खांदी, इनू सहाबा पानी पिलांदे ने पानी नहीं पींदी, कदी उधर जांदी है कदी उधर जांदी है, ते दौड़ करके मेरे पैगंबर दे दरवाजे ते आके खड़ी हो जांदी है। अल्लाह ओ मैं किवें झंडियां लगावां, मैं किवें बाजार सजावां, मैं किवें ढोल दी था बर्दाश्त करा। वो मेरे पैगंबर जदों इस दुनिया तो चले गए, सहाबा ते रोंदे ही रोंदे सन मेरे पैगंबर दी जुदाई दे अंदर, ऊंटनी भी रोंदी फिरदी है। ओ नबी दी डाची नाम उस बा सदाम दी, गलियां दे अंदर ओ फिरदी अड़ाम दी, नबी ना नजर आवे घर वाले आम दी, कुछ ना पीम दी काम दी, चंद रोज जहान छाड़े गई। अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबरी सलातू सलाम दी वफात ते अल्लाह दी कसम जानवर भी परेशान हो गए। अल्लाह अल्लाह ते सहाबा बयान करदे ने, जिस दिन नबी पाक ने सलातू सलाम फौत होए उस दिन मदीने दे अंदर खंदेरा छा गया। अल्लाह ते हज़रत फातिमा फरमांदियां ने, नबी दी वफात ते जेड़े साडे ते गम आए ने, अल्लाह दी कसम दिनां ते आ जांदे ते दिन भी रातां दे अंदर तब्दील हो जांदे। अल्लाह हू अकबर ला रहमत ते सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम हजरत नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दी वफात आप दी जुदाई सहाबा ते अल्लाह दी कसम बिजली बन के गिरी सहाबा परेशान इस कदर परेशान इस कदर परेशान सहाबा दी परेशानी दा आलम ए सी जदो नबी पाक दी वफात नु याद करदे सन सत्ता तारी हो जांदा सी अल्लाह हु अकबर कई ऐसियां मिसालां किताब सुन्नत दे अंदर मौजूद ने कि नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे सहाबा ने नबी पाक दी वफात नु याद करके अखां दिदरों आंसू बहाए बल्कि एक हदीस पाक दे अंदर आंदे एक दिन हजरत अबू बकर उमर कहन लगे अबू बकर हजरत उमर कहन लगे अबू बकर चल चलिए उम्मे ऐमन नु मिल के आइए नबी पाक अपने जमाने अंदर उम्मे ऐमन को ले जाया करदे सन ए शेखैन जो हजरत उम्मे ऐमन को ले गए मेरे पैगंबर सलातो व सलाम दे यारा नू उम्मे ऐमन ने वेख्या ते रोना शुरू कर दिता पहले नबी पाक भी नाल होया करदे सन अज उम्मे ऐमन नू नबी पाक नजर आए उम्मे ऐमन पता कौन ने जो आप दी वालदा माडदा आप नू जुदाइयां देख करके चलिया गई सजीदा उम्मे ऐमन ने मेरे पैगंबर नू मक्कातुल मुकरमा पहुंचाया ते नबी पाक उम्मे ऐमन दे बारे फरमाया करदे सन ए मेरी मेरी अम्मी है नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम इन्हां दे करीब जाके बैठ जांदे प्यार मोहब्बत दीआं गल्लां इन्हां कोल सुनिया करदे अल्लाह ते अज अबू बकर उमर गए ने उम्मे ऐमन नू नबी पाक नजर नहीं आए रो पईआं रो करके कहण लगियां हजरत अबू बकर उमर कहण लगे उम्मे ऐमन क्यों रो रही है हजरत उम्मे ऐमन कहण लगियां मैं इस वास्ते रो रही हां कि अज वही दा सिलसिला बंद हो गया जबरील ने आना छोड़ दिते अज तो बाद वही लैके कोई नहीं आएगा क्योंकि नबी पाक इस दुनिया तो चले गए ने सहाबा दी कफियत ते ए सी सहाबा दा आलम ते सी मेरे पैगंबर दा बिलाल मदीना छोड़ करके चला गया कहण वाले किया अबू बकर एक पासे नबी पाक दी जुदाई दा सदमे एक पासे नबी पाक दा बांगा बिलाल भी मदीना छड़ के जा रही है हजरत अबू बकर ने रोकिया बिलाल नू हजरत बिलाल कहण लगे प्यारे अबू बकर मैनू ये दसो तुसी मैनू अल्लाह वास्ते खरीद के आजाद कीता सी के नहीं मैं आजाद हाँ या तुहाडा गुलाम हाँ हजरत अबू बकर कहन लगे मैं ते अल्लाह वास्ते तुहानू आजाद कर दिता सी बिलाल रो करके कहन लगे आजाद बंदियां दी अपनी मर्जी होया कर दिए जिथे मर्जी चला जाए हजरत अबू बकर रो पै कहन लगे बिलाल इन दियां गल्लां क्यों करना है हजरत बिलाल कहंदे ने प्यारे अबू बकर हुण मदीना पाक दे अंदर नबी पाक नहीं रहे मेरा इत्थे दिल नहीं लगदा अल्लाह सहाबा दी कफीयत सी सहाबा दे गम दा आलम सी मेरे भाइयो आओ किताब व सुन्नत दे करीब आओ खराफात तो बचो एना रस्मों रवाजा तो बचो अल्लाह दी कसमे नबी पाक नल अबू बकर तो वद के प्यार कोई नहीं कर सकता उमर तो वद के प्यार कोई नहीं कर सकता उस्मानो हैदर तलहा जुबैर साहब सईद तो वद के प्यार कोई नहीं कर सकता लेकिन जेड़ा साडा मौजूदा हालात दे अंदर नबी पाक नल मुहब्बत अंदाज है ना अबू बकर ने इख्तियार किया ना उमर ने इख्तियार किया ना उस्मानो हैदर ने इख्तियार किया ना तलहा जुबैर ने इख्तियार किया ये सिर्फ खराफात ने ये बिदआत ने ये दीन दे अंदर नवीं चीजा ने आओ सहाबा दी मुहब्बत अपनाओ जिवें दी मुहब्बत सहाबा ने की उन दी मुहब्बत करो हजरत उमर के दौर के अंदर बड़िया सारिया फतूहात हुई बड़े बड़े इलाके फतेह हुए बड़िया अल्लाह ताला ने दौलतां अता कीतियां लेकिन मेरे उमर ने अपने दौर दे अंदर एक भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई बोलो क्यों नहीं मनाई क्योंकि इस्लाम दे अंदर सिर्फ दो ईदां किनियां बोलो जरा दो ईदां ने ते उन्हां दोवां ईदां दी नमाज भी मौजूद है दोवां ईदां दी बोलो अगर तीसरी ईद होंदी उहदा तरीका भी मौजूद होंदा ईद मिलादुन नबी दी नमाज अगर ईद होंदी ते नमाज भी इस्लाम दे अंदर दो ईदां ने एक ईद उल अजहा एक ईद उल फितर ईद उल अजहा कुर्बानी वाली ईद ईद उल फितर रोजिया वाली ईद अगर हजरात तीसरी ईद होंदी ते इस्लाम दे अंदर उहदा तरीका जरूर मौजूद होता हूँ मैं दसो ईद उल अदहा ईद उल फितर का इस्लाम के अंदर तरीका मौजूद है कि नहीं कि तकबीर नाल ईद पढ़ी जाती
ते ईद उल मिलाद उन नबी दियां किन्नियां तकबीरां ने दसो किसी दे तबर्रा तनकीद नहीं बस इस्लाह वास्ते गल करना चाहना अगर ईद तीसरी हुंदी ते यकीनन ईद दी नमाज भी हुंदी ईद दा तरीका भी बारह तकबीरां दे नाल ईद उल फितर या ईद उल अजहा अदा की जाती है जे ईद मिलाद उल नबी दियां तकबीरां कोई नहीं ते फिर ईद भी कोई नहीं। अल्लाह ताला किताब सुन्नत के मुताबिक अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। नबी पाक दी आमद दी खुशी ए होई है असी अपने आप नूं नमाजी बनाइए, हयादार बनाइए, गैरतमंद बनाइए, बा हया बा किरदार बनाइए। अल्लाह किताब सुन्नत के मुताबिक अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।